अखिलेश के लिए प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी, कहा मोदी डर गए हैं, अडानी अंबानी से कह रहे हैं मुझे बचाओ, वे 2024 में पीएम नहीं बनेंगे। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कन्नौज और फिर कानपुर में संयुक्त रैली की। कन्नौज में राहुल ने कहा नरेंद्र मोदी डर गए हैं, वे इसी डर के मारे अपने मित्रों से कह रहे हैं अडानी अंबानी मुझे बचाओ, एनडीए गठबंधन ने घेर लिया है, मैं हारने वाला हूं। राहुल ने दावा किया कि 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। मोदी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए लिए आप मर रहे थे और वो कह रहे थे कि थाली बजाओ और ताली बजाओ। नफरत को खत्म करने के लिए हमने मोहब्बत फैलाई है, अखिलेश ने कहा भाजपा की हार में केवल 4 चरण और 4 कदम बाकी हैं। भाजपा का पूरा बैलेंस खराब कर दो, कन्नौज में जितने भी बड़े बड़े काम दिखाई दे रहे हैं सपा सरकार ने करवाए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी रैली में शामिल हुए, उन्होंने कहा भाजपा के लोग इतनी नफरत करते हैं, इतना अपमान करते हैं कि जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे उनके घर को गंगाजल से धोया और कन्नौज में जब अखिलेश मंदिर गए तो उसे धोया, कन्नौज से अखिलेश खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला भाजपा सांसद सुब्रत पाठक से है। कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा मैदान में है जबकि भाजपा ने रमेश अवस्थी को टिकट दिया है। कानपुर के बजरिया में राहुल गांधी का विरोध कर रही भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सड़क से हटने के लिए कहा, इस दौरान कार्यकर्ता एसीपी से भिड़ गई। भाजपा एमएलसी सलील बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि एसीपी माफी मांगे नहीं तो सस्पेंड करा देंगे। राहुल ने कहा एनडीए गठबंधन और अखिलेश यादव की जीत होगी, मैं आपको लिख कर देता हूं कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन का तूफान आने वाला है, भाजपा की सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने वाली है क्योंकि देश को राह उत्तर प्रदेश दिखाता है, जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। राहुल ने कहा 10 साल नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया लेकिन अब उन्होंने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया, उन्हें ये भी मालूम है कि अडानी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसे भेजता है, लगता है टेम्पो वाला अनुभव प्रधानमंत्री का निजी अनुभव है। राहुल ने कहा मोदी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए लिए, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, आप मर रहे थे और मोदी कह रहे थे कि थाली बजाओ और ताली बजाओ, हम 250 रुपए बढ़ाकर मनरेगा मजदूर 400 रुपए करेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की आमदनी 2 गुना की जाएगी, चुनाव में कुछ दिन ही बचे हैं, पिछले 2 साल से एनडीए गठबंधन साथ मिलकर काम कर रहा है, नफरत को खत्म करने के लिए हमने मोहब्बत फैलाई है, इसी की बदौलत हम ये कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।